उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी 55 घंटे के लॉकडाउन से ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं तथा सड़कों पर सिर्फ लोगों की आवाजाही ही देखने को मिली। वहीं लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस फोर्स कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करती हुई नजर आई व लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करती रही। वहीं सरकार द्वारा कल लॉकडाउन की घोषणा के बाद दुकानों पर लोगों की खरीददारी के लिए भीड़ लग गई। ग्रामीण क्षेत्र की जनता दो दिन के खाने पीने की सामानों को खरीदने के लिए दुकानों पर जमा हो गए। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे के इस लॉकडाउन की अवधि को सफल बनाने के लिए प्रशासन काफी सतर्क है। पुलिस प्रशासन और 112 नंबर डायल पुलिस उद्घोषक यंत्र से लोगों को सूचनाएं दे रही है और जहां दुकानें बंद है वहीं लोगों को घरों में रहने के लिए भी अपील की जा रही है। आपको बताते चले कि 55 घंटे के लॉकडाउन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अखंड भारंगी नवाबगंज बैराज से मोहम्मद ताहिद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया इससे कस्बे के लोग और ग्रामीण लोग काफी सहयोग दे रहे हैं। नवाबगंज की सारी दुकानें बंद हैं और लोगों का आवागमन भी बंद। अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। नवाबगंज थाने की पुलिस काफी अलर्ट है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया इससे आप लोग प्रशासन का कितना सहयोग कर रहे हैं? पूरा खुद से पूरे प्रशासन का, वो जो भी कर रहे हैं प्रशासन हमारे लिए कर रहा है, हमारे देश के लिए कर रहा है, सबसे अच्छा ही कर रहे हैं। इतनी इस काम से बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने कस्बे के लोगों को कोई संदेश देना? बिल्कुल, सभी लोग से अनुरोध है कि आप कृपया करके घर पे रहें। जितना अच्छा घर पे रहेंगे उतना कोरोना से दूर रहेंगे और जितने भी लोग हैं सबको आसपास लोगों को जागरूकता कराएं कि वो घर पे ही रहें। भाइयों, आपको सूचित किया जाता है कि रात्रि 10 बजे से पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि घरों के अंदर रहें, महामारी से बचें, बाहर बिना फालतू मत घूमिए, बाहर भी न बैठे और सरकार के आदेशों का पालन करें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, कड़ी से पालन करें। अगर नहीं कड़ी से पालन करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखंड भारत न्यूज के लिए मोहम्मद साहिद अंसारी की रिपोर्ट बहराइच।